हेलो दोस्तों, क्या हाल है मेरे सभी भाइयों के। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई लोग बढ़िया होंगे। मेरे जितने भी कबूतरबाज भाई लोग सब मस्त होंगे और आपके कबूतर भी स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर कबूतरबाजों की यही समस्या रहती है जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पक्का यही समस्या रहती है, ठीक है, ध्यान दे सुनना। ज़्यादातर कबूतरबाजों की ये समस्या रहती है कि भाई हमारे कबूतर एक साइड कोने में सुस्त बैठ जाते हैं तो हम उसका क्या इलाज करें। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें नई बात क्या है। तो इसमें नई बात ये है कि आपको YouTube पे हज़ारों वीडियो मिलेगी कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन भाई उन सब चीज़ों में ज़्यादा झमेले होते हैं। लेकिन मैं आपको एक आज ऐसी चीज़ बताऊंगा ना, बहुत ही सिंपल है और वो दवाई ऐसी है कि पूरी इंडिया में किसी भी कोने में किसी भी गाँव में चले जाओ वो दवाई मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको दवाई दिखा देता हूँ आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ जब मैंने देखा कि सिर्फ 83% लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। एकदम से सदमा सा लग गया मेरे को देख के। मतलब चलो कोई बात नहीं भाई, तो यार ऐसा मत करा करो यार, वीडियो देखते हो तो यार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। ऐसा बटन होगा यार कोने में इस साइड में, ठीक है, तो यार सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार। मैं कभी कभार बैठ के सोचता हूँ कि सोचो यार 83% बंदों ने सब्सक्राइब अगर कर लिया एक साथ तो मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि छोड़ रहने दो यार, इतना लालच बुरी बला है, ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हो जाएंगे यार, भले ही 4-6 महीने बाद हो, लेकिन हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं लालच करके। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, क्योंकि मेरी जैसी वीडियोज़ आपको कोई नहीं दे सकता पूरे यूट्यूब पे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यकीन नहीं हो रहा, मतलब यकीन नहीं हो रहा, चैनल चेक कर लो भाई खोल के, मेरी तरह कोई वीडियोज़ नहीं दे सकता आपको। तो आपने बहुत सही बंदे की वीडियो पर क्लिक करा है अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो। तो मैं आपको, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हो, आपको दवाई बताता हूँ। और भाई इस दवाई की ना मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है, आप मेरे से कोरे कागज़ पे सफ़ेद कागज़ पे लिखवा लो इस दवाई के बारे में, मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूँ। अभी मेरे पास हाल फिलहाल में कागज़ नहीं है, नीचे है कागज़ और पेन, वरना मैं आपको लिख के पूरी गारंटी देता भाई। इस दवाई पे इतना भरोसा है ना, मतलब ये मेरी फेवरेट दवाई है। काफ़ी पहले से मैंने सोच रखा था इसकी वीडियो बनाने में, ठंड में बनाने वाला था, लेकिन आपको तो पता है यार आलसी में कितना हूँ मैं, वीडियो जो बनानी होती आज बनाता हूँ 1 साल बाद, ठीक है। तो 2 साल पहले मैंने इसको सोच रखा था बनाने को, लेकिन आज जैसे तैसे कैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और आपको बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और आप बताना क्या आपको पता थी ये दवाई की, हाँ भाई ऐसी भी कोई दवाई है। वैसे तो मैं सबको यही बताता हूँ, देखो भाई अगर मैं इस दवाई की वीडियो बना रहा हूँ ना तो समझ लो कि भाई 100% असर देती है, ठीक है, इफ़ेक्टिव दवाई है। ये नहीं कि कुछ भी बता दिया यार कि ये कर दो वो कर दो, भाई इतनी ख़तरनाक दवाई है ना, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस दवाई का नाम है पैरासीटामोल, ठीक है, आपको इंडिया में किसी भी कोने में मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी लोग ये यूज़ करते हैं, मैंने देख रखा है काफ़ी लोगों को। इसका नाम है पैरासीटामोल, आपको पता होगा, डॉक्टर भी आपको कभी कभार रेकमेंड करता होगा। और मैं भी भाई यही दवाई लेता हूँ, मैं बीमार होता हूँ तो पहले डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं दवाई लेता हूँ। जब भी मैं बोल रहा हूँ भाई इस दवाई पे, तो मैं आँख बंद करके भरोसा करता हूँ और मेरी वन ऑफ़ दी फेवरेट दवाई है सारी दवाइयों में, सबसे नंबर वन पे, ठीक है। इसकी तारीफ़ जितनी कर लूँ ना भाई उतनी कम है भाई, इस दवाई ने इतने कबूतर बचाए ना, मतलब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका कोई कबूतर बीमार होता है तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, टेंशन फ्री। अरे क्या बात है, कबूतर बीमार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरासीटामोल लाए, इसके 4 टुकड़े करे, चौथा हिस्सा दे दिया, ठीक है। तो आप देख लो, इसका पत्ता है 9 रुपये 97 पैसे का, ठीक है, 10 रुपये का इसका पूरा पत्ता आ जाता है। इसका नाम देख लो आप, आराम से स्क्रीनशॉट मार लेना, वरना आप में से 80% लोगों को पता होगी पैरासीटामोल, ठीक है। तो देखो आज के बाद तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कोई भी मेरा सब्सक्राइबर ये मेरे से नहीं पूछा कि भाई मेरे कबूतर सुस्त हो रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो कबूतर सीप में जा रहा होता है ना, सूखे में, जिसकी हड्डी सूख रही होती है, मतलब स्टार्टिंग में ही मान लो आज या कल में आने वाला है, आपको पता लग गया कि भाई इसे सूखा होने वाला है, तो भाई आप ये गोली दोगे ना तो वो सूखे में जाने से पहले ही रिकवर हो जाए। मेरा मतलब एक होता है ना कि लक्षण दिखने लग जाते हैं कि हाँ भाई कबूतर सूखे में जाने वाला है, इसको बीमारी होने वाली ख़तरनाक, तो वो बीमारी में जाने से पहले ही उसको ठीक कर देगी तो आपका कबूतर बच जाएगा। वरना अगर वो एक बार सूखे में चले जाएगा तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा दिन का कोर्स कराना पड़ता है कबूतर को दवाई दे दे के, ठीक है। और ऐसा नहीं है भाई, मैंने पत्ते फेंक दिए, वरना मैं दिखाता भाई, मैं आज बहुत सारी टैबलेट यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं आपको इसे बताता हूँ यूज़ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये हो गया कि आपका मतलब सारे दुख दूर हो जाएंगे इस वीडियो में, बार बार हकला रहा हूँ यार मैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी कबूतरबाज दोस्त किसी भी ग्रुप में कहीं पर भी आपसे पूछे
कि भाई मेरे कबूतर सुस्त हो रहे हैं, एक कबूतर सुस्त हो चाहे 100 कबूतर सुस्त हो, आप भाई चुपचाप उसको मेरी ये वीडियो भेज दो, शेयर कर दो, वो अपने आप देख के समझ जाए। क्योंकि आपको तो पता है यार, सारे पैसे समझाने के, मैं आपको समझा दूंगा इस तरीके से ना कि आपको फिर किसी के पास जाके पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरे कबूतर सुस्त हो रहे हैं तो क्या करूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपका कबूतर सुस्त हो आपको क्या करना है। मान लो कि ये लाल कबूतर है, ये सुस्त हो गया, मैं बताता हूँ क्या करना है। ये दवाई लेनी है, और भाई ये दवाई पता है कितने की है, सिर्फ 1 रुपये की एक गोली है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये एक दवाई लेके आनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। कौन सा पत्ता फाड़ूँ, नया पुराना? चलो यार आप लोगों के लिए नया फाड़ देता हूँ। आपको एक दवाई निकालनी है इसमें, निकालना बेइज्जती करा रही यार ये तो वीडियो में। आपको एक गोली निकालनी है, देखो इसके बीच में कट होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ 500 mg की आपको यही लेनी है, ठीक है। एक 650 mg की भी आती है, आपको वो नहीं लेनी, वो गोल होती है अजीब सी कैप्सूल टाइप में, आपको ये वाली लेनी है पैरासिप 500 mg, पैरासीटामॉल बोल देना, आराम से मिल जाएगी, बिल्कुल मस्त मक्खन आपको ऐसी गोली मिलेगी। देखो इसके बीच में ना कट लगा रहेगा एक, ठीक है। तो देखो थोड़ी मैथ्स वैथ्स भी हम पढ़ लेते हैं, तो आपको बताता हूँ। देखो ये गोली है 500 mg की, ठीक है। अगर आपका बड़ा कबूतर है, अगर आपका बड़ा कबूतर है, देखो आपको क्या करना है, नॉर्मल कबूतर को पकड़ना है। देखो ये गोली 500 mg की है, ठीक है। ये गोली एक कभी भी नहीं देनी, ये चीज़ आपको याद रखना, एक कभी भी नहीं देनी। ये 500 mg की है ना, देखो इसको मैंने यूँ तोड़ दिया, बड़े आराम से टूट जाती है, ठीक है। अब ये कितने की होगी, 500 mg की थी ना, 250 mg की है, 250 mg की है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 250 का आधा कर देना है, ठीक है। अब इसको भी एक तोड़ लेना, ठीक है। अब ये कितने की होगी, 125 mg की है, 125 mg की है, ठीक है। तो आपको ये करना है, आपको एक गोली लेनी है पूरी, एक गोली के पहले 2 हिस्से करने हैं, फिर उन 2 में से भी 4 करने हैं, मतलब एक गोली के आपको 4 टुकड़े करने हैं, और आपको ये गोली सीधा कबूतर को दे देनी है, ठीक है। कबूतर जब दाना पानी सब कुछ खा लेना, उसको पकड़ना है और आपको ये गोली दे देनी है, और कबूतर को छोड़ देना है। और भाई अगले दिन आपको रिजल्ट अपने आप ही पता लग जाएगा, मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस गोली के बारे में, ठीक है। अब आप इतना भरोसा तो यार मेरे पे करते ही हो, तो यार ये चीज़ ना आपको पता है, कोई से भी कबूतर में जब बीमारी आती है ना, तो उसकी वजह क्या होती है, सुस्तपन ही होती है भाई। कोई सी भी बीमारी हो, चाहे लकवा हो, या फिर वो जो मुंडी यू स्प्रिंग की तरह घुमाते हैं वो हो, कोई सी भी बीमारी हो दुनिया में कबूतर की, वो आती किस वजह से, सबसे पहले कबूतर सुस्त बैठता है। तो आप क्या करो, अपने कबूतरों पे ध्यान दो कि सुस्त कौन बैठ रहा है। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे पता करें कि कौन सा कबूतर बीमार है, मेरे भाई बहुत सिंपल है। पता क्या करो, इतना सारा दाना लो और छत में बीच में एक जगह पर रख दो, अगर आप ट्रे में खिलाते हो तो सही है, वरना ही साफ जगह पर फेंक दो, ठीक है। इतना सारा दाना फेंकोगे, सारे कबूतर दाना खाएंगे तेज़ी में, और फिर आप अपने लॉफ्ट में चेक करना कोई कबूतर बैठा तो नहीं पेटी में एकदम बिल्कुल शर्म से छुप के। मेरा मतलब कि जो बीमार कबूतर होते हैं ना, दाना वाना कुछ नहीं उठाते, उनकी शक्ति नहीं होती मुंडियों नीचे करने की, ठीक है। तो आप इतना सारा दाना फेंक दो, अगर आपको पता करना है कौन सा कबूतर बीमार है कौन सा नहीं। सारे कबूतर जो जो ठीक होंगे, मतलब सारे तो ठीक ही रहते, इक्का दुक्का बीमार होता है, जो जो कबूतर ठीक होंगे ना सारे अपना तेज़ी में दाना चुगने लग जाएंगे, जो बीमार कबूतर होगा कोने कोने में बैठा होगा, ठीक है। बाकी कबूतर गंदे हो रखे हैं तो उसे इग्नोर करना, वो तो हम साफ़ कर देंगे। तो ये रही हमारी गोली, और हमें इतना भाषण देना था हमने दे दिया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, पते की आपने इतनी सारी वीडियो देखी होगी ना यूट्यूब पे, ये चीज़ मैं लिख के दे सकता हूँ। मैं बोल तो रहा हूँ यार, कॉपी पेन लाया ही नहीं मैं अपने साथ, नीचे रह गया कॉपी पेन। मैं ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ, आपने इतनी सारी वीडियो देखी होगी ना कबूतरबाजों की, बताते हैं ये दवाई दो वो दवाई दो, लेकिन ये चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी। बता दूँ, देखो आपको पता होगा कि दवाइयों में भी गैस रहती है, जैसे पेप्सी होती है ना, उसका ढक्कन आपने खोला, उसमें से गैस निकल गई, सारा जो उसका गैस होता है वो उड़ गया, फिर आप वो पियो हुए ना तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है। वैसे ही सेम टू सेम दवाई में होता है। अब मान लो आपको किसी कबूतर को दवाई देनी है, आपने 3 टुकड़े आपके ऐसे रह गए, आपने एक ये वाला टुकड़ा दे दिया, ठीक है, तो बाकी 3 टुकड़े आप कहीं रख दोगे ना, अगर 15 मिनट के लिए भी रख दोगे, तो भाई इसका असर आधा हो जाता है, क्योंकि देखो इसके अंदर ना गैस होती है। जब तक दवाई इसके अंदर है ना, सेफ है अपना, इसके अंदर जैसी निकलेगी ना, तो अगर आपने खिला दी तो बढ़िया है भाई, ठीक है, और अगर आपने इसे ऐसी रख दी ना तो इसके अंदर भी गैस होती है, ठीक है, वो उड़ जाएगी, तो भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं आपका। तो आप क्या करो करो कि एक छोटा सा डब्बा ले लेना, उसके अंदर ये वाली दवाइयाँ तोड़ के आप डाल सकते हो। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आएगी तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब, देखो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी ये छोटी सी दवाई, मतलब आपको मेरी छोटी सी टेक्निक कैसी लगी, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, आज के बाद किसी से मत पूछना कि हाँ भाई कबूतर सुस्त हो रहे हैं क्या करें, सीधा जाना दुकान पे, बोलना पैरासीटामॉल दे दो, लेके आना, 4 टुकड़े करना, कबूतर को दे देना, ठीक है।
और आपका कबूतर एक ही बार में ठीक हो जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले करके देखो, फिर आप मेरे को आराम से आके वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि हाँ भाई ये दवाई इफ़ेक्टिव है या नहीं है। ऐसी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। अगर आपके कोई सवाल जवाब सुझाव हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। और क्या बोलूँ यार मैं, बस अगर गुफ्तगू करनी हो हमसे तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे इंस्टाग्राम की, थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं हम वहाँ पर भी, ठीक है? तो आप आ सकते हो हमसे बात करने। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है? आप इस गोली को बच्चों को भी दे सकते हो, अगर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो भी सुस्त हो जाते हैं तो उन्हें भी आप दे सकते हो, ठीक है? और लेकिन जो बच्चों को दोगे ना तो जो चौथा हिस्सा है ना इसमें से भी थोड़ा सा तोड़ लेना फिर देना, क्योंकि काफ़ी पावर की गोली होती है। जब भी मैंने आपको बोला था 500 का 250, 250 का 125 कर लेना, और अगर बच्चे होंगे ना तो बच्चों में काम करना, आप 125 का भी आधा कर देना फिर आप बच्चों को देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दवाई बहुत इफ़ेक्टिव है। कैसी लगी आपको दवाई कमेंट करके ज़रूर से बताना। अपने कबूतरों का ध्यान रखना, कोई कबूतर बीमार होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं जवाब ना दूँ मेरे सब्सक्राइबर लोग जवाब दे देंगे। भाई यार थोड़ा हेल्प करा करो आपस में एक दूसरे की, सब यार सारे काम मेरे ऊपर सौंप दोगे तो मैं क्या करूँगा फिर, ठीक है? तो बस यही था आज की वीडियो में, वीडियो यार थोड़ी लंबी होगी। अगर हाँ एक बात और, अगर आप ये मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो भाई कसम से कह रहा हूँ आप एक दिन बहुत अच्छे कबूतरबाज बनोगे, क्योंकि यार जो सब्र होता है ना वो हर बंदों में नहीं होता। सारे भाई लोग आते हैं एक दो मिनट में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो ना तो भाई एक दिन मैं गारंटेड से कह सकता हूँ, मेरे पे कॉपी पेन है नहीं वरना मैं लिख के आपको दे देता, यार आप एक दिन बहुत अच्छे कबूतरबाज बनोगे। एक बार आप दवाई का नाम अच्छे से देख लो, पैरासीटामोल, ठीक है? और यार सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना, 83% लोगों ने नहीं करा सब्सक्राइब लेकिन वीडियो डेली देखते हैं, तो और सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना, ठीक है? कोई भी पूछे कि कबूतर सुस्त हो रहा है दवाई बताओ, पैरासीटामोल का चौथा हिस्सा एक बार रट लो अपने दिमाग में, कभी भी कबूतर सुस्त हो पैरासीटामोल का चौथा हिस्सा, ठीक है? रट लो अच्छे से और हर जगह वीडियो शेयर करना, जो आपसे पूछे कबूतर सुस्त हो रहा है उसको ये वीडियो शेयर करना। वीडियो काफ़ी लंबी मैंने खींच दी है, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।